अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाज़रीन, असदुद्दीन अवैसी साहब के दिल्ली में वाक़े घर पर हमला हुआ है। अवैसी साहब ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पर बदमाशों ने यानी दहशतगर्दों ने कल बतारीख 19 फरवरी 2023 की शाम को पथराव कर दिया है। पथराव के बाद अवैसी साहब के घर की खिड़कियां टूट गई हैं। घर पर पथराव के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब ने पुलिस से रابطہ किया और हादसे की जानकारी पुलिस को दी है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने बताया कि कुछ बदमाशों ने उनके घर पर जो दिल्ली में वाक़े है वहां पथराव किया है। अवैसी साहब ने मजीद बताया कि मैं रात 11:30 बजे अपने घर पर पहुंचा। लौटने पर मैंने देखा कि खिड़कियों के शीशे टूटे थे और चारों तरफ पत्थर पड़े हुए थे। नाजरीन, यह इतला खुद अवैसी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें लिखते हैं, ये इंग्लिश में लिखा है, मैं उर्दू में तर्जमा करके बतला रहा हूँ। इसमें लिखा है कि मेरी दिल्ली की रिहाइश गाह पर फिर हमला हुआ है। 2014 के बाद से चौथा वाकया है। आज रात पहले मैं जयपुर से वापस आया और मुझे मेरे घरेलू मुलाजिम ने इतला दी है कि शरपसंदों के एक ग्रुप ने पथराव किया, जिसके नतीजे में खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। दिल्ली पुलिस को उन्हें फौरन पकड़ना चाहिए। नाजरीन, इसके पीछे किसका हाथ है? पुलिस इसकी जांच कर रही है। जैसे ही मुकम्मल तहकीक आएगी मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जब तक कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल से बने रहें। इस रिपोर्ट से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हर रोज हालात हाजिरा पर मुख्तसर न्यूज के लिए कम वक्त में बड़ी खबर पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।